हेलो मामेज, डियर मामेज, एक मेरे पास एक पेरेंट्स का कमेंट था कि मैम मेरे बच्चे का जो एक वैक्सीन थी वो सेम मेरी बच्चे की दोबारा से लग गई, यानी एक ही वैक्सीन मेरे बच्चे को वो दोबारा से लग गई है बार बार। ठीक है, तो अगर देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक ही वैक्सीन आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में दोबारा से लगवा ली है तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, बच्चे को एलर्जी हो सकती है, बच्चे को गर्मी हो सकती है, बच्चे को दाने निकल सकते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हमेशा टिक करवाते चलें, जो वैक्सीन कार्ड होता है उस पर हमेशा मार्क कर दीजिए कि ये वैक्सीन लग चुकी है, अब ये नहीं लगनी है। लेकिन आपको एक ही वैक्सीन दोबारा से नहीं लगवानी, बिना डॉक्टर के एडवाइज़ के आपको नहीं करना। अगर एक कोई वैक्सीन लगी है तो 21 डेज़ बाद ही दूसरी वैक्सीन बच्चे को लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन आपने एक हफ्ते के अंदर ही दो वैक्सीन लगवा ली है तो वो थोड़ी सी हार्मफुल है। अगर ऐसा किसी पेरेंट ने करा है तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, जो भी पीडियाट्रिशियन है बच्चे के उनसे ज़रूर बात करिए। लेकिन एक ही वैक्सीन को बार बार दोबारा मत लगवाइए। हाँ, बूस्टर वैक्सीन होती हैं जो कि डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि कब लगवानी है तब भी आप लगवाइए, लेकिन खुद से आप मत लगवाइए। गलती से अगर आपके बच्चे की लग गई है तो प्लीज़ डॉक्टर से आप बात ज़रूर करिए। डियर पेरेंट्स, ऐसी जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।